हेलो एवरीवन, आधार बैच की फर्स्ट क्लास थर्सडे से स्टार्ट होगी। क्या पढ़ाऊंगा वो सब बताता हूं। अगर आप आधार बैच में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, नो इशू, पर अगर अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव लिंक है, उसको आप क्लिक करिए और अपनी डिटेल भेजिए, जिससे कि आप इस बैच में ऐड हो सकें। ये बैच बेसिकली सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस का काम करने वाला है। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एक नई पहल है इंपिटस गुरुकुल की ओर से कि कैसे पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करें। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी सेल्फ स्टडी में, अब आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। सिलेबस बहुत है, पर फिर भी अगर आप मेरी पॉइंट, मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और एवरी वीक फॉलो करेंगे, तो हम हर वीक एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को सिलेबस तो ऑलरेडी पता है कि सिलेबस में क्या क्या है। पूरा सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें से फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। वाई फर्स्ट टॉपिक? क्योंकि इसका यूज हर जगह होता है, इसके एप्लीकेशन का यूज हर जगह होता है, और इंक्लूडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशन के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और किस तरह से हेल्प करेगा वो भी बताता हूं। बट इस टॉपिक में या इस वन शॉट क्लास में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर आप चाहते हो तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप पढ़ के रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और क्या क्या पढ़ के रखना है वो मैं आपको बताता हूं, पर आप पहले एक काम करेंगे, 9th-10th की मैथ्स की बुक से भी क्वाड्रेटिक करें, 11th से भी, और क्या पढ़ना है उसका मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें आप पढ़ेंगे, उसको शॉर्ट स्लाइड में भी लिया है। नंबर वन, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब ये जो लिखे हैं पॉइंट ना, इन पॉइंट्स को भी कवर किया जाएगा। इसलिए वन शॉट क्लास है, लॉन्ग क्लास है, रेडी रहिए, पूरी तरह से अपने आप को फ्री रखिए, एक अपने रजिस्टर प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके लिए मैं लेवल वन और लेवल टू की शीट भी अपलोड कर रहा हूं ऐप पर, आप लोग उसे डाउनलोड करके रखिए और सॉल्व करके रखिए। सबसे खास बात है लेवल थ्री इसको पढ़ाने के बाद दिया जाएगा आपको, और वीक में टू क्लास जैसे मैंने बताया, और स्पेशल सेशन में वो ध्यान रखिए। तो आप रजिस्टर्ड है ओके, पर नहीं है तो आप अभी इमीडिएटली रजिस्टर्ड होइए, ड्राइव पे जो लिंक दिया है उसके थ्रू आप जाके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, नेचर ऑफ रूट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट। कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन यहां से काफी बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विद गिवन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हो सकता है ये वाला पोर्शन आपको 11th की बुक में ना मिले। क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग मॉड क्वेश्चन, हो सकता है ये भी ना मिले। मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। जो चीज की कॉम्पिटेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा है उसको हम बहुत डिटेल में भी कर पाएंगे। फिर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूले पे आपने देखा है जेई पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से उसको यूज करना है, कैसे उसकी शॉर्ट टेक्निक्स को कवर करना है, ये सब इस क्लास में होगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वेवी कर्व मेथड और लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पोर्शन मुझे कवर करना है। आप लोग इसमें से जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं करिए। आप ये मत सोचिए आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये तो आपने करा, पर आप मेरे साथ करेंगे एक आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर नेक्स्ट डे मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास लूंगा जो लेवल थ्री की शीट होगी, और अगले वीक के लिए नया टॉपिक, यानी अब हर वीक आपको क्या पढ़ना है एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर आपको पता रहेगा। तो अपनी पढ़ाई करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू।